A case of rape of a minor girl has come to light in a hamlet of Renukapar Parsoi Gram Panchayat of Obra Police Station area of Sonabhadra. The accused who committed the rape is said to be Shiksha Mitra. On receiving the complaint, CO Dr. Charu Dwivedi and Inspector in Charge Devivar Shukla reached the spot and arrested the victim. The same Obra Police has arrested the accused, Shiksha Mitra, and sent the minor girl to the district hospital for medical treatment. कल दिनांक 5/12/2023 को थाना क्षेत्र ओबरा जनपद सोनभद्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका से रेप की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के बाद तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और माननीय न्यायालय में पैरवी करके अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। An eyewitness woman living in the same neighborhood also said that the accused Shiksha Mitra, in the name of making Aadhaar card, he found the girl alone at home and was raping the minor. When she heard the girl screaming, she went and intervened. The accused ran away, leaving his glasses, bike and some clothes. The family members of the accused are threatening to kill them, she said. नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, क्या था पूरा मामला? सर, हम वहाँ सिलाई मशीन दिए हैं, उसकी मम्मी बोली थी थोड़ा आके देख लीजिएगा। हम बोले थे ठीक है, तो हमको कल दिमाग में आके चले थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ही गए हम देखने के लिए थोड़ा मशीन देखने, तो गए तो वो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जैसे उसके द्वार पे पहुँचे, पीछे तपर भी आवाज़ आ रहा था। उसके बाद गए तो देखे कि राजेंद्र मास्टर जो है कि उसको गलत कार्य कर रहे थे। उसके बाद मतलब ढोस ढकेल किए हम, उसको छुड़ाए लड़की को। फिर उनकी चाची आई, हम जैसे चिल्लाए कोई आओ कोई बचाओ उसको, लड़की बेहोश पड़ी गई। छोड़ाने के बाद वो भाग गया, मोबाइल अपना छोड़ दिया, चश्मा छोड़ दिया, गाड़ी रोड पे था उसको भी छोड़ के भाग गया। घर के सामने बाइक थी? हाँ, घर के सामने बाइक खड़ी थी रोड पे, मोबाइल और चश्मा छोड़ के वो भाग गया। फिर लड़की की मम्मी मतलब थी नहीं, पापा भी नहीं थे, चाचा चाची लोग आए तो उसको फिर अपने घर पे ले गए। ये इसके बाद आपको धमकी भी दी गई है क्या? धमकी हमको दी गई है, उसकी परिवार जो है दे रही है कि अगर हमारा आदमी छूट के आएगा तो तुमको जिंदा आग लगा देगा। तो इसका जिम्मेदार, अगर हमको कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार उसके घर परिवार और उसकी औरत होती है। तो अभी प्रशासन के समक्ष आप गए थे? नहीं, अभी हम नहीं गए।